आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले शब्दार्थ और कठिन शब्द समझेंगे। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करके रखने हैं, ठीक है। सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक निकालें और अपनी फेयर नोटबुक में लिखते जाएं। अकल का कच्चा, कम बुद्धि वाला जिसमें कम दिमाग होता है, नटखट चंचल जो बहुत शैतान होता है, तकरार मतलब झगड़ा जब लड़ाई हो जाती है, आंखें चार होना एक दूसरे को देखना जब हम गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं, अकल मतलब बुद्धि, झटपट मतलब तुरंत, चकराया मतलब घबराया, शर्माना मतलब लज जाना जब हम शर्मा जाते हैं। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब ये हैं कठिन शब्द, ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, ठीक है। पहला है बच्चे, दूसरा कच्चे, आंखें, गुस्सा, तकरार, सूंड, भिड़ी, चिंगाड़, कारण, गर्दन। गर्दन दो तरीके से लिखा जाता है, दोनों तरीके सही हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। हाथी के दो कौन थे? बच्चे। हमें ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। उनका नाम मोहन और सोहन था। वे बड़े नटखट, दोनों में यूं तकरार हुई, पहले सोहन चकराया, फिर मोहन ने पेड़ उखाड़ लिया, मोहन ने पेड़ उखाड़ा, सोहन ने उसे सूंड से पकड़ लिया, जंगल में शोर शोर, उनके कौन आ गए? माँ बाप आ गए, दोनों तब शर्माए, दोनों की क्या थी? गलती थी, दोनों ने अपनी गर्दन क्या कर ली? झुका ली, या फिर हम लिख सकते हैं नीची कर ली। तो हमने ये कविता में से लिखा। अब ये अभ्यास आप खुद से करेंगे। इसमें जो हमें पंक्तियाँ गई हैं, दी गई हैं, उन्हें हमें अपनी जैसे हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल घर में, अपनी नॉर्मल एक लैंग्वेज होती है उसमें हमें लिखना है। पहला हमें करके दिया है टहल रहे थे जब वे मन में, तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? जब वे वन में टहल रहे थे। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। गुस्सा था दोनों के मन में, तो हम क्या लिखेंगे? उन दोनों के मन में गुस्सा था, ठीक है। इसी तरीके से यह अभ्यास आप करेंगे। किसने किससे कहा? तू ही ले ले, ये किसने कहा? मोहन बोला, और किससे? सोहन से, ठीक है। अब चला कहाँ? सोहन ने किसको कहा? ये मोहन से, ठीक है। अब अगले अभ्यास पे चलते हैं हम। सही के सामने सही का उत्तर, सही का चिन्ह लगाएं। हाथी के कितने बच्चे थे? दो। हमें पता है कितने बच्चे थे? दो, तो ये गलत हो जाएंगे। हाथी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? चिंघाड़ना, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। जंगल में शोर सुनकर कौन आया? दोनों के माता पिता, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगले पे आइए। सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। पर्यायवाची शब्द सब जानते हैं, एक ही शब्द के जब और ज़्यादा शब्द होते हैं, जैसे हम जंगल को वन और कानन भी कह देते हैं, हाथी को गज और हस्ती भी कह देते हैं, आँख को नयन और चक्षु भी कह देते हैं, माँ को माता और अम्बा भी कहते हैं, पिता को तात और जनक कहते हैं, ठीक है। अब
अगली एक्सरसाइज मैंने वैसे की हुई है, पर ये आप खुद करेंगे। ये बहुत इजी और बेसिक एक्सरसाइज है, ये आप खुद से करेंगे। इसमें क्या करना है, ड और ढ के उचित प्रयोग को लिखना है, ठीक है। ड और ढ कहाँ यूज़ होता है वो हमें लिखना है। अब वर्ग पहेली में से 10 जानवरों के नाम ढूंढ कर लिखें। मैं आपके लिए ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। जैसे सबसे पहला ये हम बैल मार्क कर सकते हैं, ठीक है, घोड़ा मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हैं, बकरी मार्क कर सकते हैं, और क्या मार्क कर सकते हैं, हाथी मार्क कर सकते हैं, शेर मार्क कर सकते हैं, लोमड़ी मार्क कर सकते हैं। कितने कहे गए हैं, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए हैं अभी, और देखते हैं। एक हम मार्क कर सकते हैं गाय, और ढूंढते हैं। हमें 10 मार्क करने हैं और हमें कितने मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिले हैं। 2 मोर, 2 और हमें ढूंढने हैं, तो ढूंढिए। जेब्रा भी हम मार्क कर सकते हैं, जेब्रा भी इसमें लिखा है। 9 हो गए, एक और बचता है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने अभ्यास पूरा कर लिया। अब आप सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी नोटबुक में शब्द अर्थ और कठिन शब्द पूरे करने और अभ्यास अपनी बुक में पूरा करना है सभी बच्चों को। इतना कार्य आप पूरा करके रखिए, अगली कक्षा में हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ओके। सभी बच्चों को इतना काम पूरा करना है और इस पाठ को अच्छे से समझना है। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।